तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर। हमने लास्ट क्लास में होम मेनू बार में डिस्कस किया था फॉर्मेटिंग के बारे में, राइट सर? यस राइट। समझ आ गया था, कोई डाउट तो नहीं था? आगे बढ़ते हैं। तो हमने पैराग्राफ तक कवर कर लिया था, राइट? अब बात करेंगे ड्राइंग के बारे में। आप yes. में हम बात करेंगे ड्राइंग के बारे में कि आप पावर पॉइंट पे कुछ चीज ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो पावर पॉइंट में एक सेकंड, तो यहाँ पे हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। वैसे यहाँ पे देखेंगे ड्रॉ में हमारे पास जो ऑप्शन है, जान लीजिए वो यहाँ पे रिसल्ट यूज होता है। तो रिसल्ट यूज होता है, इसके बाद रेक्टेंगल होता है, यहाँ पे आपका बेसिक सेप्स होते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स एंड एरे होता है, यहाँ पे इक्वेशन होती है, फ्लो चार्ट होता है, स्टार्स एंड बैनर्स होते हैं, यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं। आई थिंक इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे पहले से। तो हम सबसे पहले एक एक करके जानते हैं, जैसे यहाँ पे लाइंस और अभी भी दिए गए हैं लाइंस। सबसे पहले लाइंस की बात करते हैं, तो ये आपका लाइन होता है, इसे अपने हिसाब से लाइन को ड्रैग कर सकते हैं, और ड्रैग करने के बाद इसके ऊपर अपना सेप फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हर जो भी ड्रॉ करते हैं सब में कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स होता है, वो फॉर्मेट्स अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है सर? ओके। तो इसे मैंने बताया आपको कि जब हम ड्राइंग करते हैं यहाँ पे होम पे, तो यहाँ पे अलग अलग लाइंस हैं, जैसे कि ये आपका एरो लाइंस है, ये डबल टाइप एरो है, ये आपका ये क्या बोलते हैं इसको कनेक्टर होता है, कनेक्टर में एरो लगा हुआ है। इसमें एक चीज़ और आता है, ये आपका कनेक्टर कर्व होता है, यहाँ एरो लगा होता है, ये सब फिक्स है, इधर दिख रहा है आपको, सब फिक्स है। इसको आप इसको ड्रैग कर दीजिए, इस तरह से फिक्स रहेगा। लेकिन इसमें अब बात करते हैं, ये हमारे पास एक होता है आपका कर्व। कर्व में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से माउस पॉइंटर लेते जाइए, क्लिक करते जाइए और आपका ड्रॉइंग होते जाएगा, ठीक है? और जहां मैच करना आप डबल क्लिक कर दीजिए, मैच हो जाएगा। तो कर्व में होता है, कर्व के बाद ये आपका होता है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में क्या होता है कि जस्ट लाइक पेंसिल की होता है, जैसे मर्जी वैसे आप इसको ड्रैग कर सकते हैं पेंसिल की तरह, राइट सर? अब इसमें एक आता है कि क्या हमको इस तरह के, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको लिया हुआ है, तो क्या इसको चेंज इसमें थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं? में एडिशन हो सकता है, ठीक है? सेव फॉर्मेट में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट बॉक्स दिखता है, दिखा सर? ओके। नहीं सर, टेक्स्ट बॉक्स है, एडिट सेव्स आपको दिखता है, मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स का। जैसे इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर मैं शेयर फॉर्म में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट सेप्स दिखता है। तो एडिट सेप्स जो है ये आपका सब सारे चीज़ पे हम एडिट नहीं कर सकते, इस पर आप एडिट नहीं कर सकते, हाँ लेकिन इसको अपने हिसाब से देख रहे मूव कर सकते हैं। कहाँ से मूव किया मैंने, जो बीच में जो एलो निशान है उससे अपने हिसाब से इसको मूव कर सकता है, और ये हर लाइन में होता है, समझे? उसी तरह से रेक्टेंगल आपने ले लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद इसके ऊपर आपका शेप फॉर्मेट में इसकी स्टाइल्स हैं कि कैसा स्टाइल होना चाहिए, उसके बाद इसमें कलर्स होते हैं कि कौन सा कलर फिल होना चाहिए, इसका आउटसाइड कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है सर? इसके ऊपर फॉर्मेटिंग, इसको 3D शेप में करना है तो 3D शेप में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। इस पर अगर कोई टैक्स लिखना चाहे तो यहाँ से अभी आप टैक्स लिख सकते हैं, इस पर क्लिक कर दिया आप देखिए, और टैक्स का कलर क्या होना चाहिए, टैक्स का आउटलाइन क्या होना चाहिए, टैक्स का सेट कैसा होना चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं।
ओके सर। उसके बाद अब इसमें जैसे मान लो कि मुझे टैग इसमें थोड़ा सा एडिट करना है, यहाँ पे आप एडिट टैब पे क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट्स, और इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, राइट सर? ओके। तो जब आप टैग्स यहाँ से जब आप लेते हैं टैक्स बॉक्स इसमें एडिट कर सकते हैं, इन सबों में एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स है, मैं टेक्स्ट बॉक्स लिया, तो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं थी। टेक्स्ट बॉक्स तो टेक्स्ट पे जो टाइप होता हुआ था, अब मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, या किसी चीज़ से को कॉपी पेस्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं से कुछ कॉपी किया और उसको कॉपी पेस्ट करना है, मान लीजिए इसी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करना है, तो इमेज है सॉरी, किसी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करना हुआ तो हमें किसी किसी तरह का टेक्स्ट बॉक्स का जरूरत पड़ेगा पावर पॉइंट में। तो हम इसे पेस्ट कर देते हैं, तो पेस्ट करने के बाद अब इसकी अपनी फॉर्मेट है, सेल फॉर्मेट में आएंगे तो इसकी अपनी फॉर्मेट है। सबसे पहले कि टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल क्या होना चाहिए, ये स्टाइल आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जो स्टाइल चाहिए आप। ओके, उसके बाद इसका बैकग्राउंड फील कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, सैप की आउटलाइन कलर मतलब कि जो बॉर्डर है वो कलर क्या होना चाहिए, और इसका कोई 3D वगैरह स्टाइल रखना है। उसके बाद इसके ऊपर जो डले हुए टेक्स्ट है उसके अपने फॉर्मेट में ले सकते हैं। जैसे मैंने अपना फॉर्मेट ले लिया, इस फॉर्मेट में आप ले सकते हैं जैसा होना चाहिए। और जब इस फॉर्मेट में आप लेते हैं इसका कलर आउटलाइन, और ये रहा इफेक्ट कि इफेक्ट कैसा होना चाहिए, वो इफेक्ट यहाँ से आप यूज कर सकते हो। इसी में आपका ये आता है ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन से नॉर्मल एबीसीडी अगर मैंने ले लिया तो इस तरह से स्लाइड हो जाएगा, इस तरह से दिखा आपको, इस तरह से बन जाएगा। और ये अलग अलग आपके इसके स्टाइल है टेक्स्ट बॉक्स के, जैसा आप लिखना चाहे उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है सर, टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल होते हैं। फिर हम होम पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स हो गया। उसके बाद बाकी जो सेप्स है ये नॉर्मल है, जैसा मर्जी ऐसा इसको ड्रैग कीजिए, कुछ में आप एडिट कर सकते हैं, कुछ में एडिट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एडिट पॉइंट कर दिया हमने, जैसे मुझे थोड़ा सा इसको और बड़ा करना है, इन सबको सिर्फ इसको बड़ा करना है पूरे को नहीं, तो एडिट पॉइंट के बाद हम इसमें बड़ा कर सकते हैं। तो एडिट पॉइंट का यूज होता है थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करने के लिए अपने शेप्स में, राइट सर? बाकी शेप्स तो अपने हिसाब से यूज कर ही लेंगे, इसे कुछ बताने की जरूरत है सुजिंदर जी? नहीं नहीं सर, सेव तो यूज करते हैं, बट वो एडिट पॉइंट के नीचे जो ऑप्शन था वो चेक कर। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि आप लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे आपने बोला कि एडिट पॉइंट सेव फॉर्मेट में, इसकी बात कर रहे हैं? तो टेक्स्ट बॉक्स है ना, मैंने एडिट बॉक्स एडिट सेव में ऑब्जेक्ट करने के बाद एक, हाँ एक आता है आपका मर्ज सेव, मैं वही बता रहा था आपको। जैसे कि दो शेप्स लेते हैं, दोनों का आपस में मर्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ एक शेप ले लिया यहाँ पे, इस तरह से मान लीजिए कि हमने एक शेप ले लिया, और हमारा एक और आ गया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट, यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स, दोनों अलग अलग हो गए, राइट? और टेक्स्ट बॉक्स से मान लीजिए मैं कुछ टाइप भी कर दिया, राइट? मुझे क्या करना है कि ये चीज, अब मान लीजिए कि मुझे इसको इस पे रखना था, तो मैं इसको उठा के इस पे रखूंगा तो दिक्कत क्या होगा कि इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हो गए ना सर, right. मैं चाहता दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हो जाए, तो आप ग्रुप कर दोगे, लेकिन ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और शेप फॉर्मेट में आपके सामने मर्ज शेप आएगा। तो मर्ज को सही यूनियन पूरा मर्ज करना है, या फिर कंबाइन मतलब कि दोनों के बीच में जो है सो, या फॉर्मेंट या इंटरसेक्ट या सब्ट्रैक्ट, इस तरह से मर्ज कर सकते हैं, ठीक है सर? मर्ज में एक तो ये हो गया, लेकिन मर्ज का और एग्जांपल दें तो और मैं बता सकता हूँ और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने रेक्टेंगल लिया, एक ए ले लिया सर, और फिर हमने ए ले लिया, तो अब क्या है कि इसका कलर कुछ और कर देता हूँ, मुझे इसकी फिल कलर जो है
शेयर फॉर्मेट में जाना होगा ना, शेयर फॉर्मेट में आता हूं, इसका कलर मैं ब्लैक, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं। देखिए मर्ज, हमने यूनियन ले लिया तो देखा बीच में गैप हट गया। तो कभी आपको इस तरह का अगर आकृति बनाना है तो ले सकते हैं, या यहाँ पे कंबाइन करोगे तो बीच जितना पार्ट एक मतलब जहाँ मर्ज हो रहा है वो आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे फोरग्राउंड करोगे तो जैसा है सब रहेगा लेकिन मर्ज भी दिखाएगा। और यहाँ पे इंटरसेक्ट दिखा या फिर सब्ट्रैक्ट, समझ गए सर मर्ज ऐप क्या करता है? हेलो, ओके, बट ये अलग अलग एक ही ग्रुप बनाता है या फिर अलग अलग एक हो गया मर्ज हो गया ना। अब जैसे कि अब इसके अब मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, बीच के चीजें हिडन करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे विंग फ्रंट कर देता हूँ मैं, दिखा सर, दिख गया सर? राइट राइट, तो यहाँ इंसर्ट में इसमें होम मेनू बार में आपका ये ड्राइंग ये समझ में आ गया? इसमें और कुछ तो बताना नहीं है? नहीं, यहाँ पे एक्शन बटन भी है ना, देखिए जैसे एक्शन बटन आप नीचे लेते हैं यहाँ पे, ले लिया। अब इसके ऊपर लेते हैं, यहाँ पे आता हाइपर लिंक कि यहाँ पे कुछ इनसाइड नेक्स्ट प्रीवियस क्या करना है, दिख रहा है ना सर आपको? फर्स्ट स्लाइड मैं स्लाइड्स का है, इसके बारे में आगे हम आपको बताना है, ठीक है? इसके बाद अरेंज की बात करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि दो एक से ज्यादा हम लेते हैं अपना स्लाइड्स इस तरह से, तो इसको हम अरेंज यहां से कर सकते हैं। अरेंज में जैसे कि सबसे पहला तो जैसे इसके अभी देखा था आपने विंग फ्रंट कर दिया था, तो इसको आपको बैक करना है, फ्रंट करना है, फॉरवर्ड करना है, ये चीज़ें ले सकते हैं। ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, इसकी अलाइनमेंट भी करनी है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ऊपर नीचे है, आपको एक सिक्वेंस में चाहिए, तो मैंने अलाइन यहाँ पर टॉप कर दिया तो आपका टॉप में आ गया। ओके, ऐसे मिडल बॉटम और जेंटा। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में गैप जो है कोई कम है कोई ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कि एक एक समान दूरी पे आ जाए, तो अलाइन में यहाँ पे मैं टॉप कर दिया मैंने ताकि एक सीध में हो जाए, और उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्ड यहाँ पर जेंटली कर दिया, कॉपी हो गया इसमें, समझे? क्लियर सर? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? ये आपका इसमें क्विक स्टाइल होता है। जैसे आपने इसको ले लिया, अब इस पर कुछ स्टाइल करना है तो क्विक स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे स्टाइल्स आपको मिलेंगे जिसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कलर क्या फिल करना है, इसको ये जो बाकी जो यहाँ सेव फॉर्मेट में होता है उसी का इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे आता है फाइंड, कुछ चीज को फाइंड करना था स्लैब में रिप्लेस, आई थिंक ये तो पता ही होगा आपको। yes. उसके बाद यहाँ पे आता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड में क्या होता है, उससे डेडिकेट होता है स्पीच सर्विसेज होता है। जैसे मैं इंग्लिश इंडिया कर दिया और मैं इस पर पेज कर देता हूँ, तो जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे स्पीच जो हो गया मैं स्टॉप। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ तो क्या होगा?
वॉइस पे रिकॉर्ड हुआ नहीं? होता है उसकी वॉइस आ जाती है। नहीं, डेडिकेटेड के लिए होता है, यहाँ ये होता है डेडिकेटेड, इस पर क्लिक किया स्लाइड इंसर्ट के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। अब डिज़ाइन आइडिया के बारे में आते हैं, ये नया फीचर्स हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन आइडिया जो भी सिलेक्ट करेंगे जो स्लाइड, उससे रिलेटेड आपको एक आइडिया डिज़ाइन दे देगा आप। लेकिन इसके इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने एक नई स्लाइड लेता हूँ मैं, तो इस स्लाइड में कैसा क्या होना चाहिए ये आपको डिज़ाइन आइडिया बता देता है। ये पहले भी इसके बारे में बताया था आपको, स्लाइड के ऊपर एक नया कंटेंट के ऊपर जो आइडिया चाहिए वो आपको आइडिया दे देता है, डिजाइन आइडिया। अब यहाँ ये जो आपको का क्या यूज है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। एक वॉइस रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड अलग होता है, इंसर्ट में होता है रिकॉर्ड वॉइस, जिसमें यहाँ होगा ऑडियो, यहाँ होता है ऑडियो, ऑडियो टू माइक फ्रॉम पीसी रिकॉर्ड ऑडियो, ऑडियो में होता है। ये डेडिकेटेड का ऑप्शन होता है, जैसे कि वॉइस टू स्पीच, जैसे आप बोलेंगे ना उस तरह से जाएगा स्लाइड्स को, ये करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया 1 2, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने स्लाइड लेते हैं 1 2, वॉइस के साथ करता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है सर। तो आज हमने आपका फाइल मेनू बार खत्म था, होम मेनू बार भी खत्म कर दिया। इसमें कोई नया चीज सीखने के लिए है आपके पास? नहीं सर। कोई ऐसा लग रहा है कि जो दोबारा पढ़ना चाहिए? नहीं सर। अब इंसर्ट की बात करें, इंसर्ट में सबसे पहले तो न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन है, जो हमने बाहर देखा था वही यहीं पे सेम चीज आता है यहाँ पे। उसके बाद टेबल, टेबल जानते क्या होता है? Yes. आप जो है अपना टेबल एंट्री कर सकते हैं, बट टेबल में जैसे कि आपको जो एंट्री करनी है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सलाह देता हूँ यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट से क्या होता है कि इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन वगैरह आसानी कर सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना सर। ये भी एक टेबल की तरह परफॉर्म करता है, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन नहीं होता, बट इसका यूज करना बेटर होता है। इसके बारे में सर आपको हम कल बताएंगे, फिलहाल आप क्या करें?